बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। और कौम की आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से, वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से, हम अपने तमाम व्यूअर्स को दिल से और अपनी टीम की जानिब से ईद मुबारक कहना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये ईद, आने वाले तमाम दिन हम सब के लिए पुरसकून साबित हों। हम सब के लिए मैं तो कहूँगी कि जो जितनी परेशानियाँ चल रही हैं और जितने हम इस्तराब किसी कैफियत में हैं, अल्लाह करे हम इससे निकल पाएँ और इस ईद में और इसके आने वाले दिनों में हम अपने आप को बेहतर तरीके से या बेहतर जगह पर पाएँ और हमें कोविड का कोई नया वेरिएंट या कोविड से रिलेटेड कोई नई खबर, कोविड के रेशियोज़ और ये तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत दुआएं सबने की हैं, अल्लाह करे कि हम इन तमाम चीज़ों से और इस बीमारी से खुसूसी तौर पर हम और हमारे प्यारे, हमारी कौम बच सके। बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग मौजूद हैं और जहाँ कहीं भी ये बीमारी मौजूद है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज के दिन, ईद के दिन, हमने सोचा कि हम वो तमाम लोग जो टेलीविज़न पे आपको मुख्तलिफ ख़बरें दे रहे हैं या आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं और आपको इन दिनों के बारे में भी, आजकल तो खुसूसी तौर पे जाहिर है हालात हाजरा पे ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है, ये बताते हैं, लेकिन उनका अपना ये दिन कैसा गुजर रहा है, उनकी अपने ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजर रहे हैं, ईद का दिन वो कैसा गुजार रहे हैं, SOPs को कैसे लेकर चल रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ कैसे निभा रहे हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में या इस ईद के हवाले से जो हमने खुसूसी रिकॉर्डिंग की है, हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। माया खान हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बड़ी अच्छी सहेली हैं और हम तो एक दूसरे को भाई भी कह देते हैं, भाइयों वाला स्टाइल है उनका थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम माया। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसे हो आप? ईद की पेढ़ेरों। मैं ठीक ठाक हूँ, ईद मुबारक। आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? वैसे हम लोग स्क्रीन पे आके ना एक दूसरे को आप से शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, लोग कहेंगे पता नहीं कितनी कोई बदतमीज लड़की है, इन लोग को तमीज ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो नहीं, हमारी आदत है वैसे हम लोग जी। हमारी जो हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है इदारों से, जहाँ से हम बड़े हुए हैं सतापुर में, तो वहाँ पर ना बहुत ही हमें तमीज तहजीब सिखाई गई है, इसलिए हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं, वरना हम आपस में तो जैसे हैं वो तो हर एक को बताया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। अच्छा माया, ये बताएं, ये ईद यू आर माशाल्लाह डूइंग योर वर्क विद द चैनल एज वेल, फिर बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल मीडिया के भी सेशंस करती रहती हो, सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर जो हालात हैं वो भी हमारे आपके सामने हैं, और फिर उसके साथ साथ मैंने देखा कि पर्सनल आपके फैमिली में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये ईद कुल मिला जुला के इस पूरे सिनारियो में किस तरह की है आपके लिए? नुसरत, एक्चुअली आप वाकिफ़ हैं कि घर में अपनों को कितनों को खोया। मेरी मामानी का इंतकाल हुआ, जो कि बहुत ही करीबी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे बहुत ही हमेशा प्यार दिया। मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, मेरी बड़ी बहन के शौहर का। मेरे सगे ताया का इंतकाल हुआ, जो कि पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम जो लोग जानते हैं, जिनका नाम आई रहमान साहब है। हम लोगों को बहुत खोया, और ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ कोविड की वजह से खोया, बस खोया तब कहीं ना कहीं कोविड पर सिचुएशन डेफिनेटली रही, लेकिन सिर्फ मैंने नहीं, कई लोगों ने अपनों को खोया। हमने क्या सीखा? 2 साल हमारे इसी तरह गुजर गए, हम क्या सीख पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं? और ईद क्योंकि हम सुन्नत हमें पूरी करनी है, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम 30 दिन रोज़े रखते हैं, क्योंकि हमें इस बात पर यकीन है कि रब ताला हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो जो हमारे अपने गए हैं उनसे भी अल्लाह हमसे ज्यादा प्यार करता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि मतलब यू नो कि हम ये कैसे करेंगे। नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमारे पास अपने हैं। आई हैव यू एज अ सिस्टर, आई हैव यू एज अ फ्रेंड, आई हैव सो मैनी पीपल इन माई लाइफ टू बी थैंकफुल फॉर। यस, जिनका सफर था उनका इतना ही रहा, उनके जाने का दुख, उनके जाने का गम अपनी जगह है और रहेगा। किसके जाने से वो खला भर जाती, किसके जाने से? आपके वालिद साहब गए, क्या वो खला भर गया? नहीं, हम सबने अपनों को खोया है और हम मजीद खो रहे हैं। हमें सबक नहीं मिल रहा, हम सीरियस नहीं हो पा रहे। बुशरा अंसारी जी ने इतनी प्यारी बात कही कि क्या अगर शॉपिंग नहीं करेंगे इस साल तो क्या बख्शिश नहीं होगी? और लॉकडाउन से पहले तो सूरत हाल ऐसी थी माया के अगर हम पे एनफोर्स नहीं किया जाता ना कि आप नहीं जाएंगे बाजार, और जब तक शटर डाउन नहीं होते, जब तक हम रुकते नहीं हैं, वी डोंट टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जा रहे हैं, अपनी आंखों के सामने जा रहे हैं, बट इवन देन
उसके बावजूद नुसरत कैसे? आई सी योर शोज, आई लव योर चैनल, आई कीप ऑन वॉचिंग एंड मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपको मालूम है ये बात है. मुझे पता है कि यार मेरी बहन और मेरी दोस्त कर रही है तो आई नीड टू सी व्हाट शी इज डूइंग बिकॉज वी लुक आउट फॉर ईच अदर. और अगर मैं दुनिया को ये बताऊंगी तो आप बहुत हैरान होंगे कि हम एक दूसरे को तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरे को समझा रहे होते हैं कि यार ये कर लेना ये ना. मुझे कहीं मैं फंस रही होती हूँ, मैं बहुत क्लोज दोस्तों को करती हूँ, जिसमें नुसरत है, डॉक्टर मिराहिल, दो तीन और लोग, इनसे मैं मशवरा करती हूँ. और हमें लगता है कि शायद इंप्रेशन आप लोगों पे होगा कि हम औरतें जो है ना इतना इनसिक्योर हैं कि हम को बिल्कुल जो है ना ना पूछती हैं ना हमें हमें इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है. पता ही ऐसा नहीं, लेकिन किस बात का और यकीन आएगा. लोग अभी भी मैं कहती हूँ, देखती हूँ मेरे फ्लोर पर जब हमारे शोज हो रहे होते हैं तो इतनी ज्यादा SOPs को फॉलो, अगर गलती से भी कभी भी यू नो एक जेन्युइन मिस्टेक हो जाए कि यार जेब में रह जाए और कोई साफ करने गए थे या क्योंकि घुट जाता है इंसान, तो आप उस वक्त, मैं इतनी कीन आई रखती हूँ सब पे, मैं कहती हूँ कि किधर है तुम्हारा मास्क? जेब में. मैंने कहा जेब में जा रही है, जेब में तुम साफ है, जेब में तुम्हारी नाक है, जेब में तुम्हारा मुंह है, वहां पे वहां पे कोई रख लो. सो दे ऑल्सो नो एंड यू नो मैं को ये मैं कहती हूँ मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं आपके लिए कह रही हूँ. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माया, मैंने देखा भी ऑब्वियसली तुम्हें. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू टेक द ओनरशिप. जितने लोग तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं ये मैंने हमेशा देखा है कि यू टेक द ओनरशिप कि नहीं ये इस तरह से करना है, अपना ख्याल करना है, तो ऑब्वियसली वो बात समझ में आने वाली है. और जिस तरह आप लोगों के तो आजकल रोज़ प्रोग्राम्स हो रहे थे अभी पिछले दिनों और फिर ईद की मसरूफियत और सारा कुछ, तो ऑफिस में तो SOPs फॉलो कर रही हो, घर में जो लोग आ रहे जा रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ के लिए भी आना चाहेंगे आपके यहाँ, सिंस तुमने बताया कि कुछ रिलेटिव्स अब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो किस तरह से ईद का ओवरऑल स्केड्यूल है? क्योंकि नुसरत ऑब्वियसली हमारी अम्मा जो हैं बहनों में सबसे बड़ी हैं, ख़ानदान में बहुत सारे कज़न सब बड़ी हैं, चूँकि उनके अपने तीन बड़े करीबी लोग जो कराची में, क्योंकि ताया गए लाहौर में, ममानी गई इस्लामाबाद में, बहनों ही कराची में, तो बकिया जितने भी लोग हैं वो अम्मा की तरफ ही आएंगे. अच्छा, अब क्योंकि एक बात मैंने अपने ख़ानदान में नोट की और मैं वाकई में अप्रिशिएट करती हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देखती हूँ एक या दो लोग होते हैं. इवन माय खालू, इवन ही कम, ही इज कहते हैं ना बड़े बूढ़े नहीं समझते और बुजुर्ग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते. माय मामू, माय खालू, मेरे मामू तो आ ही नहीं रहे, पूरे रमजान की शक्ल नजर नहीं आई. पता है उन्होंने कहा ईद पे मिलेंगे क्योंकि ईद पे उनको मिलना है अपनी बहन से ना, ठीक है, रमजान ही है. वो मामू वो ममानी जो हमेशा हर हफ्ते अफ्तार और वीकेंड हमारे साथ गुजारते थे वो नहीं आए. क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने जुमला कहा बहन से, उन्होंने कहा जब होगा तब पता चलेगा. खालू कम्स, ही डज नॉट टेक हिज मास्क ऑफ. मैं अपने घर में इतना ये शऊर देखकर, अपनी फैमिली में देखकर आई फील सो ब्लेस्ड कि यहाँ पर ये ख्याल रखा जा रहा है. हाँ, जहाँ चैलेंज आता है वहाँ बच्चों का आता है क्योंकि वो लोग समझते नहीं है, उनकी साइकी ऐसी है कि उनको उनको आइडिया नहीं है अभी, इतना वो सीरियस केयरलेस है, बेसिकली केयरलेस है कि कोई चीज रह गई कहीं रह गई, कर लिया. एग्जैक्टली, उनको बेचारों को वो आइडिया नहीं रहता. फिर वो कहना पड़ता है कि बच्चे मास्क का है आपका, आप वेयर इज योर मास्क, आपने क्या आगे शावर किया. मैं 30 दिन जो रमजान के 29-30 दिन जो भी होते हैं शोज के, जिस तरह भी किए, हर प्रोग्राम से वापस आने के बाद नुसरत, आई वुड स्ट्रेट, मुझे तो कहा जाता सीधा जाओ जाके शावर लो. अम्मी से मैं नहीं मिली, आपको पता है, और चूंकि यू नो कि मेरा पिछले जुलाई में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम न्यूज़ वन, मैं अम्मा से कोरोना में ही स्टार्ट हुआ था, तो मैं अम्मा से काम से आने के बाद नहीं मिलती हूँ. नुसरत मैं नहीं मिलती, हमें करना पड़ेगी, ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी ताकि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, मेरे बड़ों को, मेरे कोई अलील है घर में, कोई बच्चा है उनको ना, हम उनको तोड़ी डाल सकते हैं इस रिस्क में. यू एट वर्क, बच्चे हैं घर में, छोटे बेबीज हैं, ठीक है, अम्मी होगी, सब सबसे कैसे करोगे, बिकॉज यू आर एट वर्क, बिकॉज आप ज्यादा प्रोन है ना, आप निकल रहे हैं बाहर, और इतना मुश्किल वक्त है. और SOPs का ख्याल हम सबको, और फिर ये नया वेरियंट भी तो आ जाता है ना, ये भी तो डर है, अभी जैसे थर्ड टाइम ऐसा हो गया, फिर उसमें आपको अपना ख्याल रखना है, ये बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है. माया, क्या ख्वाहिश दिल में आती है इस वक्त के सिनेरियो में, जब चीज़ें देखती हो पाकिस्तान में, दुनिया भर में, यू हैव रिलेटिव्स इन US एज वेल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या दिल में ख्वाहिश आती है? कोई ख्वाहिश ऐसी है जो इस ईद पे जन्म ले रही हो
कि अब मेरा दिल ये चाहता है, क्योंकि हमने मेरे ख्याल में पिछली सारी ईदें टेकन फॉर ग्रांटेड ली, बड़े हल्ले गुल्ले किए, बड़ा मज़ा किया, और बचपन से आज तक अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दौर दिखाया। लेकिन आज जब ये वक्त आया है तो दिल में कोई कोई ख्वाहिश आती है, कोई बात आती है? पता नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था इमोशनल होने का, बट आई डोंट नो, यू आस्क्ड अ वेरी वेरी वेरी, शायद बहुत ही मेरे हॉट बटन प्रेस कर दिया इस वक्त। यू नो, छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। हम कजन्स इतने क्लोज थे बचपन से, हम अम्मा के बहन भाई, हमारे ताया, हमारे ददियाल, ननियाल, सब मिक्सचर ही आपस में, ना आपस में चाहती हैं हमारे पास अभी भी होती। तो हम ना हम सब लोग एक दूसरे के साथ इतना टाइम गुजारते थे, कोई गिटार बजा रहा है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह आर्टिस्ट और टैलेंटेड लोग बहुत हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई गिटारिस्ट है, यू नो देयर इज सो मच टैलेंट इन माय फैमिली माशाल्लाह। एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू सिट एंड स्टे अवेक ऑल नाइट, एंड वी यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, एंड वी यूज्ड टू स्टे अप फॉर कैरम, एंड वी यूज्ड टू स्टे अप एंड टॉक, एंड देन इन द मॉर्निंग वी वुड गो एंड गेट फूड, या फिर डिलीवर्ड इन, या सिर्फ लड़के चले जाते थे और लेकर आ जाते थे, कभी जाहिद की नहारी, कभी जावेद की नहारी, कभी yes. कभी हलवा पूरी, यू नो यू प्रेस सच अ बटन। आई विश जो हमारे पास अपने हैं हम उनके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार, यू नो, बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर गोना लिव। हम कल की क्या बात करते हैं, मैं नुसरत, मैं यहाँ से बोलती हूँ, कन्फेस करती हूँ, मेरी नुसरत से मुलाकात छोड़े बात नहीं हो पाती, बिकॉज रूटीन ऐसा रहा रमजान में कि मैं डेली, क्योंकि दिन निकल जाता भागम दौड़ी अफ्तारी ये करना, फौरन नमाज पढ़ी और भाग गए, बिकॉज वो टाइम 9 से 10 का था, एंड बाय द टाइम आई वुड कम होम, आई वुड जस्ट लाइक टू कम होम टू भतीजा भतीजी एंड चिट चैट विद देम और प्ले PS4 विद देम, यू नो दैट्स ऑल। घर में क्या किया, अम्मा ने क्या किया, मेरी बहन की सर्जरी हुई। लेकिन माया, जो बात आप जो बात आपके दिल को लगी हुई है और जो आपके एक्सप्रेशन से आया हो रही है, प्रेजेंस इज सो मच इम्पॉर्टेंट ना, अब हमें ये फील होता है कि प्रेजेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, किसी का होना, इंसानों का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। पहले हम मटेरियल्स को देखते थे, अब तो कोविड के दौर में आपके कपड़े हैंग हुए हुए हैं, आपके शू जो है शू रैक में हैं, आपकी ज्वेलरी ज्वेलरी की जगह पे रखी हुई है, एंड यू आर वेयरिंग अ नाइट सूट और आपको कोई वो ही नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं है आपके इर्द गिर्द, वो प्यारे नहीं है, वो अपने नहीं है। तो ये अगर मैं खुद ये कहूँ कि मैं ऊपर से ईद का जोड़ा पहनी है जिसमें नाइट सूट का पजामा पहना है, तो ये हमारी जिंदगी के काम हो गए हैं। आपने कहा, इतनी प्यारी मिसाल दी कि हमारे जूते रखे हुए रैक पे, हमारे कपड़े रखे हुए अलमारियों में, हमारी हर चीज वहीं की वहीं, हमारी ज्वेलरी, हमारी कड़ियाँ, हमारी एक्सेसरीज, हमारे सारा वो मेकअप की किट्स जो हमारी बनी होती थी, जो हम रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते थे, वो ऐसी की ऐसी रखी हुई है। तो क्या क्या मेरा क्या टेक अवे होना चाहिए, मेरा इस हवाले से मेरा क्या टेक अवे होना चाहिए? मेरा टेक अवे क्या ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे थोड़े से में रहने की प्रैक्टिस करवा दी? बिल्कुल, सिंपलिसिटी की तरफ रागब किया है। क्यों हम वो टाइम भूल गए कि हम आपस में कजन से दूसरे कपड़े पहनते थे? क्या वो हम टाइम भूल गए कि अपने बेस्ट फ्रेंड से दूसरे की कभी दुपट्टा, कभी जूते, कभी कपड़े हम एक्सचेंज कर रहे होते थे? कौन से ऐसे आप, मतलब जो, मतलब अल्लाह माफ करे, डिजाइनर का नाड़ा होगा तो वो आप ले लेंगे और एक आम आदमी से आप नाड़ा ले लेंगे? यार कौन है यार, मैं कौन, हमारी बात क्या है? सही बात है, मताज हैं, ठीक है, हम आगे से कहते हैं ये नहीं होगा, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको पता भी है क्या क्वालिटी होती है? एज अ पर्सन तो पहले मैं क्वालिटी अच्छी कर लूं अपनी, तो फिर तुम्हें कोई और बात करते हैं अच्छी भी लगूंगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ा थॉटफुल मोमेंट है, और माया से जब भी बात करो बात से बात निकलती जाती है, एंड दिस इज़ नेवर एंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। लेकिन आज के दिन हम, क्योंकि ईद के हवाले से, एंड ओवरऑल मैं चाहती थी कि माया का सेंटिमेंट हमारे इस प्रोग्राम के तहत, इस प्लेटफॉर्म के तहत आप तक पहुँचे। सो माया, थैंक यू सो मच। एनी लास्ट लाइन विच यू वॉन्ट टू से टू द पीपल जो आपको फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं? बहुत ढेरों मुबारकबाद आपके इदारे के लिए, आपके चैनल के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। SEO प्रोमोज, कूडोज टू योर एडिटिंग, कूडोज टू योर प्रोड्यूसर्स, एंड यू नो यू गाइस आर डूइंग ऑसम। मेरा एक बहुत बहुत जरूरी मैसेज और वो ये है कि आई हैव लॉस्ट माई लव्ड वंस, मैनी ऑफ यू हैव नॉट, सो प्लीज चेरिश दोज मोमेंट्स,
अपनों के साथ जितना आपको वक्त मिल रहा है ना, वही आपकी तकवियत का आगे आपका सामान बनेगा। ये बात मेरी बेशक है। सबसे ज्यादा जहाँ खुशी आपको होगी ना, वो होगा यार मैंने ना किसी अपने के साथ फोन उठाइए, मत मिलिए, फोन उठाइए, वीडियो कॉल कीजिए। अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ नुसरत के, बट द टीम एंड नुसरत मेड श्योर कि मैं उनके साथ ईद पर हूँ। द एफर्ट काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स, जस्ट पुट दैट एफर्ट इन। एंड ईद मुबारक, अपनों के साथ ईद मनाइए। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, अल्लाह के शुक्राने में जाइए। गिव आउट, से आउट एंड गिव अ प्रेयर फॉर ग्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट, ईद मुबारक। थैंक यू माया, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू, एंजॉय योर डे। जी और अब हमारे साथ द फेमस एंकर जमील फारूकी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत? मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और ठीक हूँ, लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें कुछ पता नहीं है कि पल भर में क्या चीज हो जाए। तो आपने ये जो आपने ये जो ईद मनाई है, ये वो फिरदौस आशिक आवान साहबा ने पिछले दिनों एक बड़ा जबरदस्त चुटकुला छोड़ा था ना, कि इस ईद पे आप सब कुछ कीजिए पर आपने जो है ना वो पपियां झपियां नहीं करनी है। तो आप भी आइसोलेट होके ईद मना रही हैं मेरी तरह, जैसे मैं मना रहा हूँ। आइसोलेट होकर मना रहे हैं, जाहिर है वो वाला जज्बा नहीं है, या जज्बा अगर हो भी तो वो हालात नहीं है कि आप जज्बे को एक्सप्रेस कर सकें। टेंशन है, एक फिज़ा में आपको लगता है ना कि एक माहौल ऐसा है अजीब सा, कि कुछ डिप्रेशन सा है, कुछ 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 अजीब सी सैडनेस है, तो वो बिल्कुल मेरी भी फीलिंग है। आप बताएं, आप तो कराची से इस्लामाबाद गए हैं, अब इस्लामाबाद के होके रह गए, तो ईद वहीं कर रहे हैं या कराची आ गए हैं या क्या है? मैं जी ईद इस्लामाबाद में ही कर रहा हूँ। अब इस्लामाबाद ही मेरा, इट्स माई सेकेंड होम टाउन, यू नो, तो अच्छा भी लगता है कि कराची कभी आया जाए, वहाँ पर ईद की जाए। बट द वे कराची हैज़ बीन रुइंड बाय द एलीट्स, पॉलिटिकल एलीट्स, वहाँ पे उसके हालत ज़ार देख के ना बड़ा दुख होता है। है तो हमारा ही शहर, लेकिन बहुत दुख होता है। तो इसलिए अब मैं साफ सुथरा, इट्स अ व्हाट लिविंग सिटी लाइक इस्लामाबाद, इसलिए इंजॉय करते हैं। अच्छा तो जमील एक बात बताएं, कराची आई वो सही है कि डिटूरिएशन हो रही है सिटी में सारा कुछ, लेकिन कराची का जो रहने वाला है ना, उसको वही रातों को जागना, उसी तरह रोशनियों की आदत, वही अफरा तफरी की आदत हो जाती है, तो वो आदत अभी है या वो चेंज हो गई है? तो मुझे लगता है कि यू आर स्टिल लिविंग इन लालाज एंड कुकूज लैंड। एक्चुअली इस्लामाबाद और लाहौर में भी अब वही रूटीन आ चुकी है, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह की रूटीन है। सुबह चार पांच बजे लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, वो सो रहे होते हैं, बाहर की रोशनियों की मैं बात कर रही हूँ ना। इस्लामाबाद में भी बिल्कुल पहले से बेहतरी हो गई है। थोड़ा सा डेड और पीसफुल सिटी जरूर कहते थे लोग इनको, लेकिन अब यहाँ पर उसी तरह खाबे होते हैं, आउटडोर डाइन आउट्स होते हैं, कैफे खुलते हैं बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा कोरोना की वजह से एक है SOP को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन लोग गाड़ियों में बैठकर सर्व हो जाता है उनको बड़ा अच्छे से। हाँ, लॉन्ग ड्राइव का बड़ा कल्चर है ना उधर, अच्छी पक्की, अच्छी अच्छी सड़कें, ग्रीनरी, बड़ा मजा आता है लोगों को बाहर निकल के। ये मरी बिल्कुल पास है, नॉर्दर्न एरियाज बिल्कुल पास है, मोटरवे इतनी जबरदस्त बनी हुई है, खुद इस्लामाबाद सिटी बड़ा लेस पॉपुलेटेड और बड़ा वेल मेंटेन्ड सिटी है, तो ठीक है, थोड़ा पीसफुल है यहाँ पर। वो यारियां याराना चार दोस्तों के साथ बैठकर आउटडोर वो चीज नहीं होती, जिस तरह कराची में आप निकल जाते हैं हलीम खाने चलते हैं जी लेट नाइट, उस तरह के खाने नहीं है। ये आप जरूर कह सकती हैं कि जो वैरायटी ऑफ फूड आपको कराची में मिलता है ना, वो ना आपको लाहौर में मिलता है ना इस्लामाबाद में मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो आप मिस करते हैं। अच्छा, अभी आपने माशाल्लाह बड़ा ईद का अच्छा अटायर पहना हुआ है, सो कहीं जाने का प्लान है? जी बस जाने का तो नहीं है, एक तो कंपल्शन थी, आपके शो में बैठ रहा हूँ तो ईद वाले दिन बैठ रहा हूँ, तो ईद वाले दिन ईद जैसा ही लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी कुछ इर्द गिर्द दोस्तों के कुछ बच्चे हैं, आना है बड़े SOPs के तहत उन्हें मिलने के लिए, तो मैंने कहा चले उनको ईदी वीदी दे देते हैं, दोस्तों के फ्रेंड्स की फैमिलीज जो है ना वो आने लगे। मगर यू आर वन ऑफ दोज एंकर्स जो हर चीज का अटायर मैंने देखा है, जितना हम सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, कि जिम जाने के आपके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, एंड देन ईद की रिकॉर्डिंग के अपने अपने शो के अपने, तो बड़ी अच्छी बात है ये। बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं आप चीजों को, है जिस तरह मैं नहीं, मैं ऑब्जर्व करती हूँ वही फॉलो करना, ऑब्जर्व करना, यकीन ऑब्जर्वर है।
तो ये बड़ी बात होती है। हाँ ऐसा ही है, मैं कपड़ों के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, हर लिहाज से अपने आप को वर्गो हूँ ना, बड़ा मेंटेन रखता हूँ अपने आप को। वर्गोस आर वेरी परफेक्शनिस्ट, यू नो, चीजों में, कपड़ों में, खाने पीने में, काम करने में, और खासतौर पे बंदा जब इफ समबडी इज अलोन इन द लाइफ तो उसका लाइफस्टाइल उसको खुद ही मेंटेन कर, किसी और ने तो आके नहीं करना। तो अच्छा ये बताइए जमील के, ये सारी चीजें तो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके शोज हैं उसको आप किस तरह से उस वहाँ SOPs का ख्याल किस तरह रखा जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल का भी एक एनवायरनमेंट होता है, SOPs अपनी तरफ से लोग फॉलो भी करते हैं, बट देर आर टू मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ें होती हैं जो एक एंकर को करनी पड़ी होती हैं, कहीं SOPs रह भी जाती हैं, तो आप किस तरीके से इससे कोप अप कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं जवाब दे देता हूँ उसका, क्योंकि शायद इंटरनेट इश्यूज़ हैं। लेकिन हुआ ये कि जब ये कोविड आया, COVID-19 पेंडेमिक 2019 के दिसंबर में, तो उससे पहले कि मैं आपको सिचुएशन एक पर्सनल नोट पे बता देता हूँ कि आई एम क्वाइट सेंसिटिव टू सनलाइट, मतलब मैं बाहर निकलता हूँ ना सनलाइट में तो मुझे स्नीजिंग हो जाती थी। मैं आई वॉज एलर्जिक टू सनलाइट, मैं बहुत ज्यादा बैठ नहीं सकता था, सन बर्न हो जाता था। और मैं इस्लामाबाद में जब से आया हूँ उसके बाद से, और जब से कोविड आया है, अल्लाह का शुक्र है, ना तो कभी बुखार आया, ना सर दर्द हुआ है, ना कभी वो एलर्जी हुई है, ना मुझे पोलन एलर्जी हुई है। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। तो मैंने अपने फिजिशियन है यहाँ पर, बड़े जबरदस्त हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा यार पूरी दुनिया बेचारी परेशान हुई हुई है और मेरे साथ ये है। तो कहते हैं आप इम्यून हैं अब डिजीजेस से, क्योंकि अब आप यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो शायद आपको अभी तक उसका इतना असर नहीं हो रहा। रही बात COVID-19 से नबर्द आजमा होने की, तो हमारे ऑफिस में 50% स्टाफ वैसे ही कट हो गया है, बड़े बड़े एंकर्स नहीं आते इस वजह से, क्योंकि पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, सिचुएशन ऐसी है, एयरबॉर्न भी है वायरस। मैं रेगुलरली जाता हूँ ऑफिस, लेकिन मैं SOPs फॉलो करता हूँ, मास्क लगा के रखता हूँ दफ्तर के अंदर भी, सैनिटाइजर हर वक्त मेरी पॉकेट में होता है, मैं हाथ अपने धोता रहता हूँ, साफ करता रहता हूँ और उसको सैनिटाइज भी करता रहता हूँ। और जब स्टूडियो में जाता हूँ तो वो एक कंपल्शन है और हमारी मजबूरी भी होती है कि आपको फेस के ऊपर मास्क नहीं लगाना होता, अदरवाइज अगर वहाँ भी परमिटेड हो तो मैं वहाँ भी लगा के रखूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि लोग वर्कआउट के दौरान नहीं लगा सकते मास्क, ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन इनटेक भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आई रन 13 kilometers a डे विद द मास्क, मैं सेट टाइम होता है मेरे इसके ऊपर स्मार्ट वॉच के ऊपर, और मैं मास्क लगाकर मैं 13 kilometers वॉक करता हूँ और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं हुए। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा है, वरना हम हर 5 मिनट बाद दिल चाहता है कि मास्क को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें और सांस ले सकें। ये एक ऐसे लगता है रिलीजियसली फॉलो करना होता है चीजों को, अब वो अगर आप कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल के कोई मसला क्रिएट करता है। और मेरा थोड़ा सा एक और चीज भी है कि मुझे दो बड़े लोगों के नजर में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। एक तो मुझे स्वेटनिंग नहीं होती थी ड्यूरिंग द वर्कआउट जितना कर लो, और दूसरा मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती, तो मेरा ट्रेनर मुझे कहता था कि यू आर लाइक एन एलियन, कि क्यों तुम्हें नहीं होता। तो उसने मेरी स्पीड एक सेट कर दी कि आपने 13 kilometers के बाद आपको स्वेटनिंग भी होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। तो मेरे लिए कंपल्शन है कि 13 kilometers से नीचे अगर मैं करूंगा ना तो मुझे नींद आएगी उसके बाद, ना मैं स्वेट होता हूँ और ना फिर क्या कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। जब ये हो जाता है थक जाता हूँ फिर नींद। आज मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि ये एक और सब्जेक्ट है जो हम आफ्टर ईद डिस्कस कर सकते हैं, और हमें उसमें फिटनेस की बातें भी आपसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जमील फॉर योर टाइम, और आज की आपकी जो रूटीन है या जिस तरह ये ईद आपके लिए है वो हम जानना चाहते थे। जाते जाते एनीथिंग जो आप लोगों को कहना चाहते हो इस साल के हवाले से, इस ईद के हवाले से, कंसिडरिंग कि ये ईद हम सब के लिए या ये साल हम सब के लिए चैलेंजिंग है। देखें जी, आपकी सांसें बरकरार हैं तो ईदें भी आती रहेंगी, साल और माह भी बदलते रहेंगे और जिंदगी में बदलाव भी आता रहेगा। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स दैट इज चेंज, और चेंज तभी अकर होगा जब आप एक डेड बॉडी नहीं होंगे, और डेड बॉडी होने से बचने के लिए आपको कोरोना से बचना है, और कोरोना से बचने के लिए आपको वो तमाम लवाजमात अपनाने हैं जो कि आपको गवर्नमेंट कह रही है, तो वो आप करते रहिए,
नया साल भी आ जाएगा, नई ईद भी आ जाएगी, नए कपड़े भी पहने जाएंगे और फिर सब कुछ होता रहेगा और अच्छे अच्छे वर्क्स आउट भी होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बहुत शुक्रिया जी। खवातीनो हजरात, और अब हमें ज्वाइन किया है आप सबके लिए, वो एक मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है और उसके अलावा भी जेंडर इक्वालिटी पे काम करती हैं, लेकिन मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं उज़मा अलकरीम, जो पहले भी हमें इस फोरम से ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन आज ईद के दिन वो हमें ऑल द वे फ्रॉम टर्की ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम नुसरत, और आपको और आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। उज़्मा थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, और मैं जानती हूँ कि ये ईद जैसे दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए डिफरेंट है पेंडेमिक की वजह से, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, वहाँ आपके लिए भी इस ईद में बहुत कुछ डिफरेंट हो गया है। सो आई वुड वांट कि आप बताएं कि ये ईद, एक तो ज़ाहिर टर्की में आप गुजार रही हैं, फिर इफ़ यू अलाउ मी टू से दिस, आपकी मदर इन लॉ की रिसेंटली डेथ हुई है, और बल्कि हम अपने फोरम से आपको कंडोलेंस, आपको और अलकरीम भाई को खुसूसी तौर पे कंडोलेंस पेश करना चाहते हैं। सो ये तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द आप या इन तमाम चीज़ों के होते हुए आपका टाइम या आपकी ईद कैसी गुजर रही है? देखो ईद, अगर मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, मेरी मदर इन लॉ जो थी, वो आप सब जानते हैं कि उनसे हमारा ताल्लुक कैसा था और वो कैसी शख्सियत थी, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें लगता है कि शी इज़ एट पीस, तो अब हम उनके लिए खुश हैं। बीमार थी वो पिछले कुछ अरसे से, आई थिंक, और 5 दिन वो वेंटिलेटर पे रहीं, उनकी सर्जरी थी और बस उसके बाद शी लेफ्ट अस, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात पे पुरसकून हैं कि वो तकलीफ में नहीं है, वो आराम से है, और ये तो ऐसा लॉस है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो खला है जो कभी भी पूर नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है ईद की टर्की में, तो मैं आपको बताऊँ, आज यहाँ पे तो दूसरा दिन है ईद का, और पाकिस्तान में ईद है आज, यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन है, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन का मतलब बाकायदा लॉकडाउन होता है, तो ना आप कहीं बाहर निकल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना कोई आपके घर आ सकता है, तो एक आप कहें कि जो रिवायती ईद जिसकी हम लोगों को बचपन से आदत है, उसका तो दूर दूर तक कोई पता दिखाई नहीं दे रहा, बट ये है कि नेबर्स हैं आपके जो कि टर्किश हैं, आप उनको बस स्वीट्स आपने कुछ भेज दी, जो शेखुरमा आपने बनाया उनके घर से कुछ चीज़ें आ गई, बस इतना ही है, की दुकानों में आप जा सकते हैं, और ये लॉकडाउन तो है यहाँ पर 29 अप्रैल से उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया हुआ है, जो कि 17 मई तक रहेगा, क्योंकि केसेस बहुत बड़े, और यही सिचुएशन पूरी दुनिया में है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम लोग इस चीज के खतरे को महसूस शायद नहीं करते, इसलिए कितने भी लॉकडाउन कर लें, लेकिन हमारा मिलना मिलाना और शॉपिंग करना और सब कुछ जो है वो वैसे ही चल रहा है। अच्छा, ये ईद इस लिहाज से भी मैं कहूँगी कि और मुख्तलिफ है कि अभी हमने देखा कि काबुल में इतना बड़ा कहे के खौफनाक वाकया हुआ, और इतनी बच्चियों ने और बच्चों ने अपनी जान से हाथ धोए, और वो अब हम में नहीं रहे, तो ये एक दुख ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है। फिर फलस्तीन में जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इस वक्त सूरत हाल, तो पूरी दुनिया और इंडिया में जो हुआ कोविड की वजह से और जो सूरत हाल वहाँ पर है, तो बहुत ही तकलीफ दे ईद है। ईद एक मजहबी फरीजा है, हम सब लोग मनाते तो हैं, उसकी जो अदायगी है, जो मजहबी चीज़ है कि नमाज पढ़ती और लोगों को मुबारकबाद देती, लेकिन दिल जो है वो इस वक्त सबके दुखी हैं, और एहतियात लाजम है। हम और आप नुसरत हर फॉरम से ये बात कहते आ रहे हैं और बार बार कहते आ रहे हैं कि प्लीज़ एहतियात कीजिए अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बड़ों के लिए, इस वक्त तो हम सबको एहतियात करनी है। ईद मुबारक ज़रूरी नहीं कि गले मिलके करें, हम यूँ भी ईद मुबारक दूर से भी कर सकते हैं। अच्छा उज़्मा, ये बताएं कि ये सारी बातें तो बिल्कुल आपका वो एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास आई, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपसे और पर्सनल पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि टर्की में भी क्या ये स्वीट्स में शीर खोरमा ही ज़्यादा फेमस है, जो वहाँ पर आपने जिस तरह कहा कि नेबर्स में दिया जाता है, या आपके पास से आप नेबर्स ने कोई ऐसी चीज़ भेजी है, कोई ऐसी स्वीट है जो बहुत फेमस है और जिसे आप लोग रिजॉइस करते हैं, और घर का क्या स्केड्यूल है, कोई खाने पीने की ऐसी चीज़, क्योंकि बच्चे आपके साथ हैं, अपने घर का माहौल थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए कुछ प्लान किया है आपने?
देखो हम लोगों ने रात में बारबेक्यू किया यहाँ पे। अच्छा यहाँ मजे की बात ये कि जिस तरह से हमारा घर है तो वो नीचे का गार्डन फ्लोर कहलाता है, उसमें आगे गार्डन है, लेकिन जो नीचे के फ्लोर्स है उसमें आप हम पाकिस्तान में तो बड़े मजे से बारबेक्यू कर लेते हैं ना। यहाँ पे बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है पूरी बिल्डिंग पे, और बहुत जगहों पर इजाजत नहीं होती क्योंकि उसका धुआं ऊपर जाता है तो जो ऊपर रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ हो सकती है, उनके कपड़े सूख रहे होते हैं या वो घर में डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो पूरी बिल्डिंग से परमिशन लेके बिल्डिंग मैनेजर से, और फिर हमने जो है उसको थोड़ा सा अंदर करते हैं उसका धुआं ज्यादा बाहर ना जाए। तो यहाँ बहुत ज्यादा कवानीन भी सख्त है और अच्छी बात है कि दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ जो लोग ऊपर के फ्लोर्स पर रहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बारबेक्यू किया और मीठे में मैंने तो शीर खुरमा बना के मोहल्ले में बांटा, और मोहल्ले से मुख्तलिफ किस्म की चीजें आई लेकिन मोस्टली दूध के बने हुए ही मीठे थे। कुछ ऐसे मीठे जिनके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट आप उन्हें खीर से करीब कह सकते हैं, कहीं से बकलावे आए। और थ्री मिल्क केक यहाँ बहुत मशहूर है, तो थ्री मिल्क केक जो है वो लेकिन वो पाकिस्तान की तरह कंडेंस मिल्क वाला नहीं मिलता, वो फ्रेश मिल्क के साथ मिलता है, बहुत ही टेस्टी और लाइट होता है। तो वो भी आए लोगों के घरों से, कुछ खाने भी कबाब शबाब भी आए, और बस अब यही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के घर भी जब जाते हैं तो अंदर भी जाते हैं, मास्क लगा के बाहर से ही जो है वो दे रहे हैं, तो एहतियात बहुत की जा रही है। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी है, और 17th का इंतजार है कि जैसे ही 17th को लॉकडाउन खुलेगा तो फिर यहाँ पे भी वही धमाचौकड़ी होगी, अब वही सब लोगों का जो है फिर लगेगा कि कोविड शायद दुनिया से रुखसत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट इलिया एंड इलियान, दोनों किस तरह से इस ईद पर चीज़ें देख रहे हैं, या एक मैं यंगर जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके ज़रिए शामिल करना चाहती हूँ, उनका क्या रद्द अमल है इस पे, क्योंकि उन्होंने हर ईद पाकिस्तान में जब मनाई है तो वो डिफरेंट तरीके से मनाई है, और अब पूरी दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, फिर उनकी अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट हुआ सिंस आप लोगों ने मूव कर लिया है टर्की। सो ओवरऑल क्या उनकी तरफ से क्या आप एक्सप्रेशंस हैं इस वक्त? इलिया लाइक मेरी जो बेटी है वो छोटी है 14 इयर्स की, वो मेरे साथ है, और इलियान क्योंकि अभी ए लेवल्स के एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो पाकिस्तान में है। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि पाकिस्तान में वो अपनी फुप्पो और फुप्पा के घर पे रुके हुए थे, लेकिन क्योंकि उनकी दादी का और मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है तो वहाँ से वो लोग भी जो है वो US जा चुके हैं, तो वो फुप्पा के घर में अकेले हैं। और हाँ, और बेटी जो है वो मेरे साथ है इलिया। बच्चों को बड़ी परेशानी होगी, अब परेशानी है इलियान के हवाले से बीइंग अ मदर, या वो संभाल लेगा अपने आप को? वो संभाल लेगा माशाल्लाह, ही इज अबव 18 नाउ, और बच्चों को तो वैसे भी होता है कि कोई ना हो, जितना कोई ना हो घर में उतने वो ज्यादा खुश रहते हैं। एंड ही इज इंडिपेंडेंट, खाना वाना बनाना भी उसको कोई मसला नहीं है, तो वो सब मैनेज कर लेता है। लेकिन भला उनके घर मेड है जो कि आती है और ड्राइवर है, तो वो मैनेज हो रहा है। फिर नानी थोड़ा दूर रहती है, लेकिन नानी भी वहीं पर है कराची में, तो बट क्योंकि वो बहुत बीमार है तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी कि इलिया जो है वो वहां पर। तो इलिया जो है सोते हुए उनकी एक गुजरी, पूरी रात जागती रही। बारबेक्यू जो हम लोगों ने किया था चांद रात पे किया हम लोगों ने, तो वो पूरी रात जागती रही, अपने दोस्तों से बातें करती रही, क्योंकि पाकिस्तान में भी सारे लोग जो है रात भर जाग रहे होंगे, छत पर जाग रहे थे, और क्योंकि वहां तो चांद रात नहीं थी तो वो बस करती रही, और दिन में सोती रही, बस उठी, उठ के नहाई, और उसके बाद फिर कपड़े वपड़े भी मैंने कोई खास नहीं पहने, वही नॉर्मल डे, क्योंकि इन बच्चों को मुझे लगता है कि तैयार होना और नए कपड़े पहनना और ये सब चीज़ें वो वैसे भी अवॉइड करते हैं। और ईद का दिन हमेशा से मुझे लगता है कि सुबह तो मिलना मिलाना, जितनी ईदियाँ मिल जाए उनको बस ठीक है, उसके बाद उनको यही होता है बच्चों को सो जाए किसी तरह से, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए होते। तो ये डिपेंड करता है ना किस एज ग्रुप में, हाँ किस एज ग्रुप में, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत फैंसी करते हैं ये मोमेंट्स, थोड़े से बड़े होते हैं शऊर आने लगता है तो वो इससे थोड़ा हटने लगते हैं, सो ये डिपेंड करता है। अच्छा उस्मा, टुवर्ड्स द एंड दिल की क्या ख्वाहिश है या दुआ है जो 2021 में इस ईद पर, या तमन्ना जो तुम्हारे दिल में आती है ईद के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से और इस मोमेंट के हवाले से? या ये वो तमन्ना है जो मेरे ख्याल से सालों से न सिर्फ मेरे बल्कि हम सबके दिलों में है, हम इस दुनिया को एक अमन
की जगह देखना चाहते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां और सुकून देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये तमन्ना शायद लगता है कि तमन्ना ही रहती जाएगी, क्योंकि हर आने वाला वक्त ज्यादा तकलीफदेह महसूस हो रहा है। अब उसकी वजह शायद ये भी है कि अब एक्सेस बहुत ज्यादा है, कि शायद पहले भी दुनिया में ये सब कुछ होता ही होगा लेकिन हम तक वो खबरें इस तरह नहीं पहुंचती थी, अब बहुत ज्यादा पहुंचना शुरू हो गई है, हम बहुत क्लोज हैं। एक अच्छी बात हुई है वो ये टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ये कि जो लोग बहुत दूर थे वो हमारे बहुत करीब भी हो गए हैं। तो जहां हम देखते हैं कि बहुत से दुख, बहुत से तकलीफ कोविड की वजह से हमने देखी और इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हमने देखे, वहां हमने कुर्बत देखी कि अब बहुत से लोगों से शायद हम सालों मिलते नहीं हैं लेकिन अब हम उनसे ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। थैंक यू उज़्मा, आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू जो अभी हो गया है, लेकिन हमारी बात यहाँ मुकम्मल हो गई है एंड होपफुली आपकी ईद बेहतरीन गुजरे आपके अपने प्यारों के साथ, न सिर्फ आपकी जितने हमारे देखने वाले हैं उन सब की ईद बेहतरीन गुजरे, अच्छी गुजरे। और बेहतरीन गुजरने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम रेस्टोरेंट्स का ही रुख करें और घर से बाहर जाएं, घर में भी रहकर घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। थैंक यू वंस अगैन उस्मा जी। तो ये आपने मुख्तलिफ मेहमानों की बातें सुनी, मुख्तलिफ लोग, ऑब्वियसली सबका यही कहना है कि SOPs को फॉलो करना है, सब SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश भी आती है और ज़ाहिर है दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मिलना जुलना भी होता है। हर चीज़ को बरकरार रखिए, मगर आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या चीज़ किस लिमिट में करने की ज़रूरत है, हमें कितना शऊर खुद अपने अंदर बेदार करने की ज़रूरत है या अपने से छोटों या बड़ों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इस सब के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जो हमारे मुल्क में, जो हमारे शहर में, जो हमारे गिर्दोनवा में आगे होगा उसमें हमारी शमूलियत भी है, उसमें हमारा अपना भी किया धरा है जो हमारे सामने आएगा। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ईद के फेस्टिविटी में ज़रूर खुश हों, ज़रूर इन्जॉय करें, लेकिन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपको एक बार फिर वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से ईद मुबारक, और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाए, अल्लाह ताला हमें आने वाली वो तमाम ईदें वैसी ही दिखाए जो हम बेफिक्री के साथ मनाया करते थे, खुश व खुर्रम मनाया करते थे और पूरे दिल से मनाया करते थे। आमीन।